ओके गाइस, कैसे आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक और ब्रांड वीडियो में। आज हम लोग फिर से आ चुके हमारे प्यारे से सर्वाइवल वर्ल्ड में। भाई यार सेट, भाई अभी अभी मैंने अपना वर्ल्ड ज्वाइन किया था, क्रीपर फोर के चला गया, नया घर था यार, क्या करूंगा मैं इसका, कैसे बनाऊंगा घर को। अच्छे गाइस, तो हमने हमारे घर को फिर से फिक्स कर दिया है, बस यार ये उल्टा लग गया, इसको लगा देते हैं। अब एक ओक लॉक लेके आते हैं फटाफट। ओके, तो हमने ये ओक लॉक भी इधर लगा दिया। ओके गाइस, तो अभी यार इधर थोड़ा सा डर्ट लगाना बाकी है, और मेरे हिसाब से डर्ट कम पर देंगे, ये डर्ट कम पर दे, कोई दिक्कत नहीं गाइस, जो डर्ट कम पर है वो हम लोग इधर ही से ले लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है भाई, हमारे डर्ट है वापस से लगा देंगे कभी ना कभी। ओके गाइस, मेरे हिसाब से इतना गाइस है ना, होगा पाँच ही चाहिए थे ना, एक दो तीन चार पाँच। ओके तो गाइस हमारा फिर से पूरा पूरा फिक्स, मतलब रिपेयर हो चुका है, बस ये थोड़ा सा सबन मारना है। पहले तो थोड़ा खाना खा लेता भाई, एकदम फ्रेश फ्रेश, न्यू मॉर्निंग है ना, तो ब्रेड खा लिया। अभी हमने फटाफट से हमारा ये वीट जो भी हमने पिछले वीडियो में लगाया था, यप उसके बाद मैंने इसे एक ही बार तोड़ा था, पूरा का पूरा फिर से लगाया था, और ये दूसरी बार है। दूसरी बार मैं अपने फार्म से ब्रेड, मतलब वीट ले रहा हूँ, और वीट लेने के बाद फटाफट से हमें सीड्स लगा देने चाहिए ताकि बाद में खाने की कमी ना हो, तो भाई बार बार एनिमल्स मारने जाना पड़ता है ना इसलिए। ओके तो हमें हमारे सीड्स वगैरह भी लगा दिए। ओके गाइस, तो हम लोग इधर से एक आयरन ले लेते हैं और एक स्टिक्स ले लेते हैं, क्योंकि गाइस जैसे कि मैंने कहा हमारा उधर का एरिया ख़राब हो गया, तो सवल मारना पड़ेगा उधर, वरना हमारा वो एरिया ठीक नहीं होगा। और ब्रेड्स वगैरह भी हमने बना लिए, रख देते हैं इन सब को, सवल को लेके चलते हैं और फटाफट से एरिया को हम लोग इधर से ठीक कर देते हैं। यहाँ से लगाना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। ओके तो गाइस हमने हमारे सवल का काम भी कर दिया। गाइस आप लोग को याद होगा, मतलब जिन लोगों ने फर्स्ट एपिसोड देखा है उन्हें याद होगा, पिछले वाले एपिसोड में हमने ये वाला आयरन फार्म बनाया था, जो कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है। अपने देखो अभी अभी वापस से आयरन गोलम जला, और भाई देखो भाई एक दो तीन चार पाँच स्टैक आयरन जमा हो भी चुके हैं। और गाइस आप लोग ऊपर देख सकते हो, तो देखो एक सेकंड, हाँ देखो गाइस, तो पाँचों विलेजर है, ठीक है, वो विलेजर्स डरते हैं, इधर ज़ॉम्बी इधर है, जो कि ज़ॉम्बी उन्हें डरा रहा है, ऊपर आयरन गोलम स्पॉन हो गए इतने सारे आयरन, भाई पाँच स्टैक आयरन, मतलब पाँच पाँच स्टैक भी होने ही वाला है। और गाइस सच्चे होता ना ढंग से, अभी तक मैंने पाँच मिनट भी एएफके नहीं, एएफके तो किया ही नहीं है, एएफके तो अभी तक मैंने इधर किया नहीं है। आज के एपिसोड में हम लोग बनाने वाले हैं ये कॉबल स्टोन फार्म, भाई सच्ची बताओ बहुत बड़ा कॉबल स्टोन फार्म बनाने वाला हूँ, जो मैंने अपने पहले सर्वाइवल सीरीज में बनाया था, जो कि ख़त्म हो चुका है ऑफकोर्स, और इधर बनाने वाला हूँ मैं, एरिया ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, और मोस्ट ऑफ सामान भी मैंने जमा करके रखा है, आप लोग देख सकते हो इधर पर, थोड़ा सा सामान मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत इधर कुछ है नहीं, मतलब क्राफ्टिंग टेबल भी नहीं है यार मेरे पास, तो ये लीड वगैरह इधर रख देते हैं, नीड लेदर ये सब जो भी है। ये लीड मुझे मिला था, मैं ट्रेडर आया हुआ था, ट्रेडर को मार के ये नीड मिला था आई गेस, यप। ओके गाइस, तो हमारे पास ना फेंस गेट नहीं है, अभी याद आया फेंस गेट नहीं है, मैं कह रहा था बस उसको कमी है, अभी याद आया, तो गाइस फेंस गेट नहीं है, क्राफ्टिंग टेबल पता नहीं मैं कहाँ पे लगा के आ गया हूँ, तो एक काम करते हैं। ओके अब इधर फटाफट आते हैं इधर, हाँ इसी में लगाना है क्राफ्टिंग टेबल, क्राफ्टिंग टेबल लगा देते हैं इधर, और अब हम लोग बनाते हैं इसको प्लैंक्स और फेंस गेट, स्टिक्स बना लिए। ओके अब इधर लिखते हैं गेट, फेंस गेट नहीं लिखेंगे, सिर्फ गेट है। ओके हाँ, तो हमारे तीन फेंस गेट बन चुके हैं। और गाइस मैं तो बोल रहा था आज हम लोग जो बनाने वाले पावर स्टोन फार्म वो होने वाला है बहुत ऊंचा, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि भाई चार साल पहले ये कॉबल स्टोन फार्म निकला हुआ था, तो ये सारा सामान जो भी है अब ये सारा सामान यूज़ करने वाला हूँ मैं, और एरिया थोड़ा क्लियर कर देते हैं, पानी से ही क्लियर कर देते हैं। ओके सीड्स आ गए वापस, यार सीड्स की कमी भी तो नहीं है ना हमारे पास, सीड्स भी तो बहुत सारे फार्म से तो निकल आते हैं, यहाँ से भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, पूरा एरिया क्लियर कर देंगे भाई, एरिया कहीं भी घास फूस रहना नहीं चाहिए, हम लोग सेहते एकदम साफ सुथरे। ओके ये वाला तो थोड़ी दूंगा सीधा। ओके तो गाइस हमारा एरिया क्लियर हो चुका है, अब मैं बनाने वाला हूँ हमारा जो कॉबल स्टोन फार्म होने वाला है, सच बता रहा हूँ बहुत बड़ा कॉबल स्टोन फार्म होने वाला है, वो छोटा मोटा कॉबल स्टोन फार्म नहीं होने वाला है, और आप लोग को बहुत मज़ा भी आने वाला है वो कॉबल स्टोन फार्म देखने, बट बिल्ड करते हुए तो वो हमें दिखाने नहीं वाला, तो पहले ना अपना सामान जो भी चाहिए वो सब मैं ले लेता हूँ, स्टोन वगैरह जितना भी चाहिए इतने सही रहेंगे, ग्लास वगैरह भी ले लिया हमने। ओके और ये सब भी ठीक है, तो गाइस अभी आप लोग एक मस्त सा सिनेमैटिक एंजॉय कीजिए।
ओके तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने एक सेकंड बाहर आ जाओ, अरे ओके तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने अभी तक देखा कि मैंने जो अब अपना पॉपर स्क्रीन फॉर्म बना दिया, अगर सच्ची बताओ बहुत खतरनाक काम कर रहा है वैसे। अरे नहीं यार, दो तो क्रीपर घर के पास यार, स्टार्टिंग में पहले क्रीपर आ गए फिर अभी वापस क्रीपर आ रहे हैं। उनकी फटना मत, फटना मत नहीं भाई, क्रीपर्स ने परेशान कर दिया भाई। लगता है फटाफट में डायमंड या नेदरराइट डायमंड आर्मर और नेदरराइट आर्मर करना ही पड़ेगा वरना भाई ये लोग परेशान कर देंगे। ओके तो भाई जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये पूरा पूरा कॉबलस्टोन फार्म जो मैंने अभी अभी बनाया भाई, सही में बताऊंगा मजाक नहीं करूंगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगे इसे बनाने में। मेरी एक पिकैक्स टूट गई भाई, एक तो बाबर इतना मैंने कहा था ना भाई इतने सारे एक्स्ट्रा ग्लासेस मैं क्यों लेकर आके रखा था, क्योंकि मुझे पता था भाई ग्लास मुझे बार बार तोड़ना पड़ेगा, फिर स्टोन वगैरह थोड़ा तोड़ना पड़ रहा था, एक्स्ट्रा ब्लॉक्स ये सब जो हो रहा था। तो उसकी वजह से जो है एक सेकंड ये जो लीवर है ना गाइस, ये लीवर मैं खींचूंगा तो इधर, अरे यार फिर से नीचे डालो, मैं आपको दिखाता हूँ काम कैसे करेगा। देखो ये जो लीवर है भाई, ये लीवर खींचने से ये पूरा पूरा फार्म काम करेगा, इधर से वो टीएनटी डीपिंग होना चालू होगा और ये कॉबलस्टोन तो अभी सामने है, एक दिखा देता हूँ चालू करके। ओके चालू कर दिया और मैंने किया भाई इन बी के कितने सारे कॉबलस्टोन आ गए मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। एक सेकंड देखो गाइस, वो टीएनटी ड्यूप हो गया नीचे आ रहा है ये इसने थोड़ा। ओके अब वापस से देखो, वापस से कॉबलस्टोन आ गया, टीएनटी ड्यूप हो रहा है और इधर ना थोड़ा सा लैगी लैगी भी फील होता है। जैसे देखो अभी वो साइड देखूंगा ना, देखो अभी इधर मेरे इतने एफपीएस आ रहा है, देख आप लोगों को एफपीएस दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में ऊपर की साइड, इस साइड अभी नॉर्मली मेरे 300-400 एफपीएस आते हैं, लाइव स्ट्रीम में भी 300-400 एफपीएस आते हैं। अभी जैसे देखो थोड़ा सा दूर आया वो नहीं दिख रहा ना, हाँ अभी इधर हाँ 300 इतने एफपीएस आ रहे हैं। ओके पर जैसे इधर जाऊँगा अभी आप देखना 100 से भी ज़्यादा कम, मतलब 100 से कम नहीं होते बट जितना आता नॉर्मली बहुत ज़्यादा FPS ड्रॉप हो रहा है इधर, मतलब इतना भी नहीं बट हाँ FPS ड्रॉप हो रहा है। जैसे देखो 138 आया था अभी, देखो देखो भाई अब ड्रॉप नहीं हो रहा, 150 मतलब सीधा 50% ड्रॉप हो जा रहा है। ये इन लोग को डर लग रहा है शायद, ट्रेडर आया ना एक सेकंड देखे जरा क्या ट्रेड दे रहे हैं, क्या ट्रेडर था ये रहा, ए ट्रेडर इधर इधर स्प्रूस के सैपलिंग ग्रीन डाई तो चाहिए यार, पर अभी क्या हो सकता है, अभी हमारे पास एमरल्ड नहीं है और मैंने पहले ऑलरेडी एक्टिविटी मार चुका हूँ तो ज़्यादा वक्त क्या कर रहे नहीं वाला, तो इन्हें मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और गाइस देखो एक सेकंड ये लीड कहाँ से आया मेरे पास, इसलिए देखो वो तो पकड़ रखा है मेरे हिसाब, अच्छा अच्छा दूसरा वाला बस ऐसे ही साथ में चल रहा है, चलो अभी इसको तो मैं पकड़ लेता है, ये किडनेप हो गया, आजा भाई तू आज से मेरा। यप दूसरा वाला भी देखा क्या भाई, भाई दूसरा वाला कैसे लेते कैसे इसे नहीं ले सकता क्या सिट। ओके भाई फालतू के काम कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को बड़ा बहुत दिखा दे रहा है, ये नहीं टूटने दिया भाई, अच्छा है मैं तीन लेके आया था, दो बार तो वैसे टूट गया ये अगर लगा दिया था। देखो भाई भाई अभी तक मैं मजाक नहीं करूँगा, झूठ भी नहीं, फिर 5 मिनट चलाया वो, देखो ये दवाई जस्ट लगभग भरने आया, आधा भर गया ये, आधा भर गया ये भी, आधा भर गया ये, आधा भरने वाला है भाई। देखो कितने सारे कॉबलस्टोन आ गए मेरे पास, हर एक डबल नीचे वाले भी भर रहे हैं तो ऊपर वाले तो भी नहीं भरे हैं, बट भाई देखो कितने सारे भाई, 5 मिनट एफ के नहीं किया, एफ के तो भाई एफ के तो छोड़ो मैं आप काम कर रहा हूँ, बस 5 मिनट का काम नहीं हुआ है अब तक, मतलब 5 मिनट में इधर रुका भी नहीं है और इतने सारे भाई चेस्ट भी एक इतना सारा भाई, एक बार ये सारे चेस्ट फूट हो जाएगा ना फिर तो भाई कॉबल स्टोन की कमी नहीं होगी भाई, मतलब वो ही बड़े बड़े बेस बनाऊंगा उन सब में तो जरूरत पड़ेगी, इसलिए तो फार्म बनाया है भाई, मतलब फार्म किसके बनाया है। ओके इस पर बैठ जाते हैं, इसको अपना बेस्ट फ्रेंड भी बना लेते हैं, काम करते हैं, बहुत हिल रहा भाई तो दोस्त बन जा क्या दिक्कत है। ओके एक और ट्राई करेंगे भाई, हम लोग हार थोड़ी मानने वाला है, इसको अपना दोस्त बना के रहेंगे, कैसे नहीं बनेगा दूर। और भाई उधर मेरा आयरन फार्म, ये तो भाई इधर मेरा घर, पीछे आयरन फार्म, सामने कॉबल स्टोन फार्म, फार्म सी फार्म से एक फूड फार्म भी बना रहा है, अरे दोस्त बन गया क्या, अब गिरा नहीं रहा वैसे। यप गाइस दोस्त बन गया, ये हमारा बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, अभी हम लोग इस पे बैठेंगे तो ये गिराएगा नहीं हमें, अब बस एक सैडल चाहिए, सैडल कहाँ से ना हो, लगता है किसी को तो अपग्रेड करने पे सैडल मिलता है ना, नहीं सैडल किसी को अपग्रेड करने पे नहीं मिलता। ओके रैपेजर वगैरह मानने पड़ेंगे, नीचे नहीं आ रहे क्या कॉबल स्टोन, आ रहा है अच्छा आगे जा रहे हैं क्या, ज़्यादातर कॉबल स्टोन अब आगे वाले चेस्ट में आ रहे हैं। ओके गाइस मैं सीडल लगा के आ चुका हूँ, गाइस आप लोग अभी देख सकते हो भाई सीडल्स के साथ तो कितना कूल लग रहा है वो लावा वावा, भाई जो भी TNT गिर रहा है वो फट रहा है। देखो गाइस कॉबल स्टोन फिर से आगे आ गए, फिर से TNT गिरेगा फिर से वो फट गया, कॉबल स्टोन फिर से नीचे आ गए फिर TNT गिरेगा फिर ये फटा फिर नीचे आ गए, भाई ऐसे करके चलता ही रहेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी कॉबल स्टोन की हमारे पास,
अब गोल्डन एप्पल तो गाइस हमारे पास तब से ही पड़ा हुआ है, और सीड्स हमारे पास बहुत सारे आ चुके हैं, सीड्स को भी इधर रखते हैं। फूड पम्प बनाओ के यप गाइस, अगले मैं बनाने वाले एक ऑटोमेटिक फूड पम्प। गाइस जो भी बोलो सही तो लग रहा है भाई, इधर हमारा घर है, उधर हमारा आयरन फार्म है, फिर इधर हमारा ये कॉबल स्टोन फार्म हो गया। और गाइस कॉबल स्टोन फार्म मैंने बनाया था पहली बार अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में, उसके बाद मैंने हार्ड कोर चालू कर दिया कि सर्वाइवल चला गया था, फिर हार्ड कोर चला गया था मैंने फिर से ये सर्वाइवल चालू कर लिया। और ये वाला सर्वाइवल शायद मैं गारंटी देता हूँ, ये वाला सर्वाइवल वर्ल्ड मेरा नहीं जाने वाला, इसका मैं बैकअप लेके रखा हूँ भाई, बैकअप लेके रखा हूँ, वन ड्राइव में भी लेके रखा हूँ, ऑटोमेटिक होता है अब तो सब। लो भाई अब तो लगभग पूरे भर गए सारे चेस्ट। गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। और गाइस अगले वीडियो में मैं भी कुछ हटके करने वाला हूँ, अभी तक सोचा नहीं है पर सोचूंगा, करूँगा तो कुछ हटके। आयरन भी देख लेता हूँ भाई, इतने देर से ये बना रहा हूँ तो कब से देख रहा हूँ भाई, आयरन गोलम भी जल रहा है तो। ओ भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाई 9 स्टेप हो गए, जो तेरा 5 से 4 स्टेप भाई साहब। भाई आयरन फार्म मैं सोच रहा था और ऐसे 3-4 आयरन फार्म बना दूँ, ये सोचने वाली बात है, अगर ऐसे मैं 3-4 आयरन फार्म बना दूँ, नहीं 100-100 ब्लॉक की दूरी रखनी पड़ती है ना मेरे हिसाब से, बट ओके सोचेंगे भाई आयरन फार्म भी खतरनाक सा बनाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।